अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह, आई होप यू एंड योर फैमिली आर फाइन। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। नाउ स्टार्ट टुडे लेक्चर। सो ओपन द पेज नंबर 6, इन विच पेज एक्सरसाइज 1A। लास्ट लेक्चर में आपको इस एक्सरसाइज के डिडक्शन पेज नंबर 2, 3, 4, 5, 6 पे दी गई। प्रीवियस लेक्चर में आपने वैल्यू चार्ट के बारे में स्टडी किया था, उसकी प्रैक्टिस की थी। नेक्स्ट वन हम लोगों ने कंपेयरिंग ऑर्डरिंग 6 डिजिट अप टू 6 डिजिट 8 डिजिट्स नंबर तक हम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की थी। अदरवाइज हम लोगों ने असेंडिंग डिसेंडिंग और मोर। नेक्स्ट वन इज हम लोगों ने इसमें ग्रेटर लेस वैल्यूज़ की अरेंजमेंट भी लर्न की थी। नाउ अकॉर्डिंग आवर प्रीवियस लेक्चर वी सॉल्व आवर एक्सरसाइज 1A ऑन पेज नंबर 6। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन दिस ब्लैंक्स इन 4985216100 द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इट। इट्स मीन यहाँ पे जो 8 वैल्यू है इसकी कौन सी वैल्यू है, वैल्यू चार्ट के अंदर इसकी कौन सी प्लेस वैल्यू है। इसके लिए हम लोग इसका वैल्यू चार्ट बनाएंगे। वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे कि 8 की कौन सी वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है वैल्यू चार्ट के अंदर। तो वहाँ पे आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 100,000 इसकी। अगर आपने वैल्यू चार्ट की अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी तब जब आप इसको रीड आउट राइट साइड से करेंगे अकॉर्डिंग टू वैल्यू चार्ट, तो आप लोग ईजी इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट देखें यूनिट 10,000, 100,000, 10,000, 100,000। इट्स मीन 8 प्लेस वैल्यू इज़ 100,000। नेक्स्ट वन आप लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, हम लोगों ने इसको फिगर्स की फॉर्म में लिखना है। 520, नेक्स्ट वन आल्सो 0, नेक्स्ट वन 4, नेक्स्ट वन 5 एंड लास्ट वन 9। नेक्स्ट वन इंसर्ट स्पेस, हम लोगों ने इसको इंटरनेशनल वे में देखना है कि इसमें कहाँ पे इसमें इंसर्ट स्पेस आती है। राइट साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं और 3 डिजिट्स के हम लोग डिस्टेंस में इसको स्पेस इसमें मेंशन करता है। प्रीडिसर मीन 1 लेस देन, जो भी आपको वैल्यू गिवन है इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट वन सेंसर इट्स मीन इसमें से 1 को ऐड कर देंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डू योर सेल्फ सॉल्व। आप लोगों ने खुद करना है अपने किसी भी घर में बड़े की हेल्प से, क्योंकि अगर आपने इसके लेक्चर्स जो आपको स्टार्टिंग में लेक्चर गिवन था लेक्चर नंबर 1 उसकी प्रैक्टिस ही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 भी खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स। अब फर्स्ट हमें गिवन है, हम लोग इसे वैल्यू इस वैल्यू को कैसे लिखेंगे इन वर्ड्स में। 1, 2, 3 इन वैल्यूज़ को तो लिखना ईजी होता है इन वर्ड्स में, लेकिन इस तरह की वैल्यू को लिखने के लिए दोबारा अगेन वही बात होगी कि आप लोगों को वैल्यू चार्ट बनाना पड़ेगा। वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ईजिली इसको राइट डाउन कर सकते हैं, इजी हम लोग इजी वे में वर्ड्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि आप लोग ये देखें, हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू चार्ट बनाया, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000। आप लोगों ने अपनी कॉपी वर्क भी सेम इसी तरह से करना है। आप लोगों ने नीट एंड क्लीन एक वैल्यू चार्ट बनाना है, वैल्यू चार्ट के अंदर वैल्यू फिगर्स में लिखनी है, देन आफ्टर दिस आप लोगों ने इसको वर्ड्स में लिखना है। इट्स मीन ये हमारे पास आंसर बन जाता है 217 मिलियन। आप लोग देख सकते हैं 217 मिलियन, ये तीनों मिलियन के अंडर आ रहे हैं, तो इट्स मीन 217 मिलियन। आप लोग वैल्यू चार्ट बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसके अदर पार्ट्स भी आपने सॉल्व करने। नेक्स्ट वन इज राइट द फिगर विद करेक्ट स्पेसिंग। हम लोगों ने इसमें स्पेस मेंशन करनी है। पहले ये हमें वर्ड्स में गिवन है, हम लोगों ने इन्हें फिगर में लिखना है विद दी हेल्प ऑफ वैल्यू चार्ट। नेक्स्ट हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने स्पेस मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स। अगेन हम लोगों ने वैल्यू चार्ट में इन फिगर्स को राइट डाउन करना है, देन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इनको इन वर्ड्स में लिखेंगे। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट की। अगेन आप लोग अगर आप लोगों को वैल्यू चार्ट की ओरल आप लोग की अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप लोग खुद भी काउंट करके देख सकते हैं। यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, ये 100,000,000 तक जा रहा है। इट्स मीन 8 कहाँ पे आ रहा है, कौन सी प्लेस वैल्यू है इसकी, 10,000,000। 8 हमारे पास कौन सी वैल्यू चार्ट के अंदर कौन सी इसकी प्लेस वैल्यू है, 10,000,000। इट्स मीन 80,000,000, 10 के साथ 10 होता है, 8 के साथ 10 हम लोग काउंट करेंगे ईजी
मेथड में आपको बताती हूँ तो वो बन जाएगा हमारे पास 80 मिलियन। नेक्स्ट वन राइट द प्रीडिसेसर्स ऑफ प्रीडिसेसर्स मीन वन लेस देन, इट्स मीन जितनी भी वैल्यूज गिवन है इनमें से वन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट वन इज राइट द सक्सेसर, सक्सेसर में हम लोग वन को ऐड कर देंगे। जो भी नंबर गिवन होता है, जो ऐड करने का प्रोसेस होता है, मेथड होता है, वो हम लोग राइट साइड से करते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का, ये तीनों हमारे पास जो ऑपरेशन हैं ये राइट साइड से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स विद साइन ग्रेटर लेस और इक्वल। हमारे पास तीन साइंस, हम लोग इसको किस तरह से राइट डाउन करते हैं, हम लोग जो वैल्यू बिगर होगी उसकी तरफ इसका फेस ओपन होता है, और जिस तरफ जो वैल्यू लेस होती है जिस तरफ इसका फेस इसे क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट वन आएगी, दोनों साइड्स पे लेफ्ट और राइट साइड पे वैल्यूज इक्वल है, तो ये वाला हम लोग इक्वलिटी का साइन पुट करते हैं। राइट नंबर दैट मैच, इसको आप लोग दोबारा फिगर्स की फॉर्म में लिख देंगे। हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, अरेंज गिवन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आप लोग वैल्यू चार्ट में इन तीनों वैल्यूज़ को मेंशन करें, जहाँ पे भी इसमें डिफरेंस आता है लेस और बिगर का, उसके अकॉर्डिंग आप लोग इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, इसमें हम लोग पहले नीचे वाले स्टेप से ऊपर, जैसे आप लोग लैडर ले, सेकंड अगर हम लोगों ने फ्लोर पे जाना है तो हम लोग लैडर यूज़ करते हैं। लैडर में हम लोग पहले फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड, फिर थर्ड, 1 2 3। इट्स मीन हर न्यू स्टेप में एक स्टेप का इजाफा होता है। इसमें सबसे पहले छोटी वैल्यू लेंगे, फिर उससे बड़ी, जिस थोड़ी सी जोन से इंक्रीज है बड़ी है, जो फिर उससे बिगर वैल्यू लेंगे, फिर उससे बिगर वैल्यू लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखें, जिसमें डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग में नीचे आना, एक स्टेप कम होना, वो तो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स में हम लोग फिगर्स देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा फिगर्स लेस हो रहा है। इसके लिए लेस देखने के लिए कौन सी वैल्यू लेस हो रही है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू चार्ट बनाते हैं। वैल्यू चार्ट के अंडर हम लोग देखते हैं कौन सी वैल्यू कहाँ पे लेस हो रही है। हम लोग जब इसको रीड आउट करते हैं तो हम लोग इसको रीड आउट लेफ्ट साइड से करते हैं, लिखते तो राइट साइड से हैं, लेकिन जब हम लोग रीड करते हैं तो लेफ्ट साइड से करते हैं, और डिसेंडिंग असेंडिंग भी हम लोग लेफ्ट साइड से पढ़ के ही इसको करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मेथड बताया गया है, आपके पास तीन वैल्यूज गिवन है, कोमा से पहले फर्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट कोमा से बिफोर लास्ट वन, ये तो इसमें हम लोग ने तीन वैल्यूज को वैल्यू चार्ट की हेल्प की मदद से लिख लिया है।